हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं क्लास 10 के एक्सपेरिमेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, जो कि है ट्रेसिंग ऑफ रे ऑफ लाइट बाय यूजिंग ग्लास स्लैब। तो इसके लिए हमें जो अपैरेटस रिक्वायरमेंट्स होंगे, जो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए ग्लास स्लैब, जो कि हमारे पास है, और एक ड्रॉइंग बोर्ड जिसमें हम पेपर पंच करके लाइट का रे ट्रेस करेंगे, स्केल, प्रोटेक्टर, ऑल पिंस फॉर रे एंड थंब पिन टू स्टेबल द पेपर, और आपको चाहिए रहेगा पेंसिल, रबर एक्सेट्रा। तो परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लेंगे एक A4 साइज पेपर, जिसपे हम लोग लाइट का रे को ट्रेस करेंगे, एंड इस पेपर को हम लोग विद द हेल्प ऑफ थंब पिन पेपर को क्या कर लेंगे, स्टेबल करने के लिए पेपर के चारों कॉर्नर पे थंब पिन लगा के पेपर को स्टेबल कर लेंगे, कि हमको रे का पाथ ट्रेस करने में इजी हो। तो चारों कॉर्नर पे थंब पिन लगा लेंगे पेपर के। तो ये मैंने चारों कॉर्नर पे थंब पिन लगा लिए। अब मेरा पेपर क्या है, स्टेबल है, पेपर हिलेगा नहीं। अब इस पे क्या करेंगे, पेपर पे अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे मैं अपना ग्लास स्लैब रखूंगा। आफ्टर दैट ग्लास स्लैब को अपने फिंगर से होल्ड करके हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब का आउटर मार्किंग ट्रेस कर लेंगे। तो ये ग्लास स्लैब का मैं अप्रोक्सीमेट रफ मार्किंग क्या करता हूँ, ट्रेस कर लेता हूँ पेपर में, कि मैं इजीली उसको मार्क कर सकूँ, मार्किंग कर सकूँ। तो ये मैंने मार्क कर लिया है, अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगुलर है। तो अब इसको नेमिंग कर देते हैं सारे एज को। ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी ऑफ ग्लास स्लैब, एंड ए बी सी डी रिप्रेजेंट द ग्लास स्लैब। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, हम लोगों को डिफाइन क्या करना है, लाइट रे का इंसिडेंट को ट्रेस करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये मेरा ग्लास स्लैब है, यहाँ पे इस तरीके से ग्लास स्लैब रख देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लाइट रे को हम इस तरीके से इंसिडेंट करवाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा, एंड डेंसर मीडियम से वापस लाइट क्या होगी, रेयर मीडियम पर आ जाएगी। तो क्योंकि हमको पता है रेयर मीडियम से जब भी लाइट डेंसर मीडियम पे जाती है तो लाइट बेंड होती है, तो आपको एकदम लेफ्ट और या एकदम राइट तरफ में इंसिडेंट पॉइंट नहीं डिफाइन करना है। तो ये मेरा ग्लास स्लैब का सेंटर है, सेंटर का अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट तरफ में कोई भी पॉइंट मार्क करूंगा। तो लेट अस से मैं पॉइंट मार्क करता हूँ इस पोजिशन पे। ठीक, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट पी। ठीक, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम कर दिया है, पॉइंट पी। यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये इंसिडेंट पॉइंट है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, 90 डिग्री, डेट इज नॉर्मल। तो मैंने ये प्रोटेक्टर रखा, इस पॉइंट पे मैं क्या बना रहा हूँ, 90 डिग्री। तो मैंने 90 डिग्री विद प्रोटेक्टर से मार्क कर लिया, एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं यहाँ क्या करूंगा, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा विथ डैश लाइन, क्योंकि नॉर्मल हमारा डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, मैंने नॉर्मल को मैंने ट्रेस कर दिया, क्योंकि ये मेरा पहला नॉर्मल है, इसलिए इस नॉर्मल को मैं नाम दूंगा N1। ठीक है, नॉर्मल हो गया N1। व्हाट इज N1 रिप्रेजेंट, इंसिडेंट रे नॉर्मल, एंड मेरे को अब इंसिडेंट रे बनाना है। तो मैं वापस इसी पॉइंट पे, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से नापते हैं, तो नॉर्मल से आप एंगल लेंगे जितनी आपकी इच्छा है इंसिडेंट एंगल, तो मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 30 डिग्री मार्क कर लिया। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, पॉइंट पी जो कि आपका स्ट्राइक सरफेस है रे का एंड नॉर्मल का, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो कि मेरा क्या है, इंसिडेंट रे। तो ये लाइन आप थोड़ा सा डार्क ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। तो क्योंकि आपका लाइट इस तरीके से एंटर हो रहा है, तो इसीलिए लाइट रे का डायरेक्शन एरो किस तरफ रहेगा, टूवर्ड्स ग्लास स्लैब। ठीक, तो मैंने ये एरो रिप्रेजेंट कर लिया, एंड मेरा एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच मैंने कितना डिफाइन किया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30 डिग्री, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे आप मार्क लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, जिससे कि हम इस लाइट को ट्रेस करेंगे, लाइट की एक रे को ट्रेस करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है ऑल पिन। तो हमने क्या करेंगे, एक ऑल पिन को यहाँ पर पिंच करेंगे, जहां पे आपका इंसिडेंट रे एकदम परपेंडिकुलर टू लाइन होना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट के एडजेसेंट, इसी रे लाइन के अंदर हम एक और पिन, ऑल पिन को पिंच करेंगे, जो कि एकदम उसके पीछे होना चाहिए।
तो हम साइड से आंख बंद करके, एक आंख बंद करके क्या करेंगे, उसी लाइन पर एक और ऑल पिन पिंच करेंगे, जिसके कारण क्या होगी, एक ऑल पिन उसके पीछे छुप जानी चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक के पीछे एक होंगे और एकदम एक दूसरे के पीछे एक ही लाइन पर कंक्लूड होंगे। तो मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पर ऑल पिन, दोनों ऑल पिन को मैंने यहाँ पर लगा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो मेरी ये लाइट रे है, कौन सी मेरी लाइट रे है, ये वाली जो मेरी लाइट रे है, ये ऑल पिन दोनों एक के पीछे एक है परफेक्टली। तो जब मैं यहाँ से देखूंगा इस लाइन को, तो मेरे को सिर्फ एक ही ऑल पिन दिखेगी, क्योंकि एक के पीछे दूसरी ऑल पिन क्या हो गई है, एकदम अच्छी तरीके से छुप गई है। ठीक, जब ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाए, तब हम क्या करेंगे, वापस ग्लास स्लैब लेंगे और ए बी सी डी के पोजीशन पे एग्जैक्टली प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब मेरी लाइट रे क्या हो रही है, मेरी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ से। ठीक है, अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे एंटर होगी एंड डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम पर आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, वापस से मैं कुछ ऑल पिंस लूंगा और जो मेरा वापस से जो लाइट रे मिल रही है रेयर मीडियम पे, मैं उसका पाथ को ट्रेस करूंगा। तो मेरे को क्या करना है, वापस से मैं क्या करूंगा, ग्लास स्लैब के पोजीशन पर आके, जो दूसरा मेरा सरफेस है, आके मैं क्या करूंगा, जो मेरे को इमेज दिख रहा है, कौन सा इमेज दिख रहा है मेरे को, जो मैंने ऑब्जेक्ट लगाए हैं, ये जो दो ऑल पिन लगाए हैं, जब मैं इसको रे के पोजीशन पे देखूंगा तो मेरे को सिर्फ एक ही दिखेगा। अब मैं क्या करूंगा, जहां पर जिस पोजीशन पे मेरे को सिर्फ एक ही ऑल पिन दिखेगी, वहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो रे का इमेज आ रहा है, मैं वहां पर लगाऊंगा। तो एक आंख बंद करके आपको निशाना लगाना है इसको, आपको निशाना कहाँ पर लगाना है, जहां पर आपको एक्सट्रीमली क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑल पिन, एक के पीछे एक, एकदम अच्छे तरीके से। तो मेरे को यहाँ कहीं पे ये दिख रहा है, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपने क्या किया, ऑल पिन लगा देंगे। इस चीज को एक्यूरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और ऑल पिन लूंगा और उसको क्या करूंगा, जस्ट इसी के पीछे प्लेस करूंगा। तो आप अच्छे से इस चीज को करेंगे, एकदम एक के पीछे एक होना चाहिए। तो ये ऑल पिन सबसे एक्यूरेट इमेज एक ऑल पिन का यहाँ है, ये प्लेस हो गया, इसके पीछे एक और एक्यूरेट। जब आप इसको वापस से यहां से देखेंगे तो क्या होगा, इस ऑल पिन के पीछे सारे ऑल पिन आपको दिखने चाहिए, तभी क्या होगा, वो जो आपकी लाइट रे है वो एक्यूरेटली एक के पीछे एक आपको दिखेगी। आप देख सकते हैं आपको इस ऑल पिन के पीछे क्या हो रही है, सारी ऑल पिन दिख रही है। ठीक है, जब ये चीज आप ट्रेस कर लें तो ये क्या होगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप ग्लास स्लैब को हटाएंगे। ग्लास स्लैब हटाने के बाद जो हमारा इंसिडेंट रे के ऑब्जेक्ट पिंस थे, तो मैं एक पिन निकालूंगा और जहां पे आपका होल हुआ इसको हम लोग मार्क करेंगे पिन नंबर P2 एंड पहला पिन निकालूंगा और इसको आप गोल मार्क करके इसको नेमिंग करेंगे पॉइंट P1, जो कि मेरा पिन था P1। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो मेरे ऑब्जेक्ट्स जो थे, जो इमेज आपने दूसरे साइड में बनाया, इस पिन को हम लोग मार्क करेंगे P4 एंड जो आपका एक और पिन आया है उसको हम लोग मार्क करेंगे P3, जो रिप्रेजेंट करेगा पिन 3 एंड P4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपके ये पिन्स है 3 एंड 4, इस दोनों पिन के पॉइंट्स को रेफरेंस लेते हुए आप लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, ग्लास स्लैब के सरफेस के ऊपर। तो ये लाइन आपकी डार्क रहेगी क्योंकि ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो ये मेरे डार्क हो गया और जो पॉइंट आपको मिला है ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे पॉइंट क्यू, जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट पी दिया था, जो कि यहाँ से लाइट अंदर जा रहा था, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो ग्लास के सरफेस पे हमने इसको पॉइंट नाम दिया है क्यू। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमें यहाँ फिर से 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 90 डिग्री ड्रॉ करने के हमको क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा रिफ्रेक्टेड सरफेस का। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर लिया, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल हमारा क्या होता है, डैशेस लाइन से होता है, तो मैंने ये क्या किया, डैश लाइन से नॉर्मल डिफाइन कर दिया। इस नॉर्मल को मैं क्या नाम दूंगा, नॉर्मल N2। N2 क्यों, क्योंकि मेरा नॉर्मल 1 था रिफ्रैक्शन का, जो कि इंसिडेंट रे पर हो रहा था, अब रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है नॉर्मल 2, क्योंकि ये दूसरे सर्फेसिस पे है। अब हमको दो पॉइंट मिल गए, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। पॉइंट P भी क्या,
पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, मेरी लाइट इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट क्यू से मेरी लाइट बाहर निकल रही है, पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे लाइट जा रही है, और से मैं आपको ग्लास स्लैब रख के बताता हूँ। पॉइंट पी पे क्या हो रहा है आपका, लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जा रही है, पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, लाइट रे जो अंदर घुसी पी से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर बाहर आ रही है। तो पी और क्यू के बीच में लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है उसको हमको ट्रेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा विथ लाइट लाइन। तो हल्की लाइन से, हल्के पेंसिल से आप क्या करेंगे, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी। देखिए क्या हो रहा है आपका, जब आपका लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है तो आपका एंगल 30 बना रहा है विद द नॉर्मल। जब आप यही चीज आप देखेंगे ग्लास स्लैब के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रख के आप नापेंगे तो ये कितना एंगल बन रहा है हम लोग देखते हैं। तो मैं नॉर्मल से हम लोग एंगल नापते हैं, तो नॉर्मल पे मैंने ये प्रोटेक्टर रखा और ये एंगल हम देख रहे हैं, तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली आपको कितना बन रहा है, 15 डिग्री। ठीक, तो मेरा ये अंदर में मेरा कितना एंगल बन रहा है, 15 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे 15 डिग्री है। सेम अब जब लाइट रे बाहर आ रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे, तो इस क्यू पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है वो हम चेक करते हैं। तो मेरा ये मैंने रख दिया नॉर्मल पे, नॉर्मल से हम लोग नापते हैं, तो देखिए आपका करेक्ट आपका क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। तो ये मेरा एंगल आई है और ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल आर। एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है तो आप रिफ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन जो कि क्या आ रहा है, 30 डिग्री। और हमको पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, किस कंडीशन पर लाई करता है। तो हमको एंगल आई एंड एंगल आर दोनों ही क्या मिल रहे हैं, 30 डिग्री। मीन्स जो हमारा लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे एंटर हुआ तो क्या हो रहा है, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप देख सकते हैं पहले एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है नॉर्मल के साथ। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे लाइट एंटर हो गया तो मेरा एंगल छोटा होगा, क्यों, क्योंकि लाइट रे मेरी नॉर्मल की तरफ झुक गई तो एंगल कम हो गया। एंड जब वही लाइट रे क्या हुआ, आगे बढ़ा और डेंसर मीडियम से बाहर आ रहा है तो क्या होता है, लाइट रे नॉर्मल से दूर चले जाता है, तो वापस कितना एंगल बना लिया, 15 था, और 15 से कितना बन गया वापस, 30 डिग्री। जिससे कि क्या हुआ, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल आते हैं। तो यही है हमारा क्या, परफॉर्मेंस ऑफ ग्लास स्लैब। तो आप ग्लास स्लैब रख के यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, मेरी लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है विथ 30 डिग्री एंगल, रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में गई। जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम पे जाती है लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई क्योंकि मेरा एंगल छोटा हो गया, और एंगल हमारा कितना आ रहा है, 15 डिग्री। लाइट रे आगे बढ़ी डेंसर मीडियम से, कहाँ गई, वापस रेयर मीडियम पे, तो लाइट क्या हुई, वापस नॉर्मल से दूर चले गई, जो कि वापस कितना एंगल बना ली, 30 डिग्री, जो कि एक्सपेक्ट पर होना चाहिए क्योंकि एंगल आई और एंगल आर दोनों ही क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो यही है हमारा पूरा प्रैक्टिकल जो कि हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, किस तरीके से जो हमारी लाइट है वो इस एक्सपेरिमेंट में हम उस चीज को ट्रेस करते हैं। जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है और डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम पे आती है, तो लाइट रे का परफॉर्मेंस इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं। होप आप सबको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इस एक्सपेरिमेंट में डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज कमेंट करें और चीज को क्लैरिफाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।